इसमें सबसे पहली बात तो सरकार जो भी योजना पिछले अभी 16-17 महीने से जो भी योजना ला रही पूरी फ्लॉप योजना है। ये किसानों को पूरा पूरा बेवकूफ बनाने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। इससे पहले भी जितनी योजनाएं लेके आई उसमें कहीं भी किसी भी वर्ग के व्यक्ति को फायदा नहीं हुआ। और अभी जो ये नया फैसला कर रही है सरकार गोधन न्याय योजना और इसमें जो गोबर खरीदने का काम कर रही है सरकार, कहीं पर भी विधानसभा में जितनी बार सदन में सत्र चला कहीं पर भी इस विषय का जिक्र सरकार ने कभी नहीं किया। इस योजना की तैयारी कहीं पर भी सरकार ने नहीं की, इसके लिए अलग से बजट या अलग से फंड कभी सरकार ने नहीं निकाला। और बिना किसी फंड के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी राशि के आप कैसी किसी योजना को सफल बना सकते हैं जब तक उनमें किसी प्रकार का आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यदि सरकार आज भी जब कभी गौठानों को चला रही है और आज भी यदि गोबर खरीद रही है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के पैसे से सारा काम कर रही है। आज गौठान को भी यदि चलाने के लिए जो समिति बनाई गई है, समितियों को भी जो राशि दी जाएगी वो भी कैंपा मद से और मनरेगा की राशि से और 14 वित्त और अभी आने वाले 15 वित्त की राशि से, जितने पैसे दिए जा रहे हैं वो केंद्र सरकार की पैसे से राज्य सरकार वाहवाही लूट रही है। और यहाँ पर जो विषय रहा है गोबर को खरीदने का, तो आज के वर्ग को जो आज पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना चाहता है ऐसे युवा वर्ग को आज सरकार गोबर दिलवाने का काम कर रही है। घर घर गोबर खरीदने की बात भी सरकार करती है। इससे पहले भी ग्रामीण परिवेश क्या उनको नहीं पता है कि घर को यदि गाय के गोबर होता है तो गोबर का उपयोग कैसे किया जाता है। कोई नया काम सरकार नहीं कर रही है। पहले भी किसान ये ऐसा करती थी, अपने घर के जो गोबर निकलता है उसको खाद बनाने का काम करती थी, कहीं गैस बनाने के गैस की टंकी बनाती थी, वहां पर गैस जो गोबर गैस प्राप्त होता था घर में उसका उपयोग किया जाता था। इस प्रकार के गोबर का उपयोग करते आ रही है। बिल्कुल वो ग्रामीण के लोग ये इस तरह का काम करते आ रहे। कोई बहुत सी नई चीज नहीं है सरकार के पास की सरकार की माली स्थिति ठीक नहीं है और जिस प्रकार सरकार इतना ढकोसला कर रही ये सब दिखावा है। इससे किसी वर्ग को फायदा होने वाला नहीं है और खासकर जो किसानों की चिंता करने वाली जो सरकार जो दिखावा करती है खासकर किसान को तो कहीं भी फायदा नहीं है।